उन्नाव सांसद साक्षी महाराज रेजेंसी जाकर किशोरी से करेंगे मुलाकात। सेंट्रल से रेजेंसी रवाना हुए साक्षी महाराज। मैं बहुत आहत था इस घटना को लेके और अनवरत रूप से अपने जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय, आईजी से मैं निरंतर संपर्क में था। पुलिस पर विश्वास जनता का बड़ा है, इसलिए कि इस बेटी के बोलने से पहले ही जिला प्रशासन ने जो केस खोला वो अक्षर से सही था। बिटिया स्वस्थ है, बात करके आया हूँ। मैंने उससे पूछा कुछ और कहना हो, कोई और दोषी हो, उसका नहीं, जो पुलिस ने किया है सही किया है, यही दोषी हैं। क्या बताया महाराज जी, कैसे क्या हुआ? अब ऐसी स्थिति में लंबी बातें करना, लेकिन जो खुलासा पुलिस ने किया है उसकी उन्होंने पुष्टि की और जो कहानी पुलिस ने बताई है उसकी उन्होंने पुष्टि की। महाराज जी, एक बड़ी बात है कि जैसे वहाँ स्थानीय सांसद थे विपक्षी, रावण सेना ने बड़े उसको जोर जोर से आरोप लगाए, कांग्रेस के भी कई लोगों ने ट्वीट प्राप्त किया वगैरह, तुरंत इसको क्या मानते हैं? देखिए, घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसकी निंदा की जानी चाहिए। परिवार के प्रति संवेदना सहानुभूति रखना ये स्वाभाविक है। विरोधी पक्ष को विरोध करना उनका धर्म है, लेकिन विरोधी इस कदर नीचता पर उतर आएंगे, इतने नीचे गिर जाएंगे, इतने नीचे स्तर की राजनीति करेंगे, उसे बलात्कार करार दे देना, और पुलिस ने जो केस खोला उसे पुलिस की मनगढ़ंत कहानी बता देना। मैं तो कहना चाहूँगा ऐसे लोगों के खिलाफ अलग से FIR होनी चाहिए जिन्होंने बलात्कार बताया था और जिन्होंने पुलिस की कहानी को, पुलिस के इस जो उन्होंने इसका उद्घाटन किया उसको उन्होंने पुलिस की मनगढ़ंत कहानी बताया, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज में विष घोलने का काम करते हैं। अब कोई भीम आर्मी से आ रहा है, कोई किसी पार्टी से आ रहा है, कुछ किसी पार्टी से, ये माहौल खराब करने का प्रयास पूरा का पूरा किया गया। मैं फिर अपने जिला प्रशासन का धन्यवाद करूंगा कि माहौल को भी नहीं बिगड़ने दिया और केस को भी खोल दिया। एक सवाल, राहुल गांधी जो रायबरेली के सांसदीय चुनाव लड़े जो भी रहा, उसके बाद वो वायनाड चले गए, वहाँ पे वो यूपी को लेकर के कुछ कहा है, जिसको लेकर उत्तर भारत को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग मजबूरी है, देखिए अमेठी पर, रायबरेली पर गांधी परिवार का एक अधिकार रहा है। ये कांग्रेस वो है जिसने सदा फूट डालो राजनीति करो, देश को बांटने का, प्यारे भारत के तीन तीन टुकड़े करने का काम कांग्रेस ने किया। आज भी सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं। अगर इतने ही बुरे हैं उत्तर भारतीय, इतना ही वो खराब लगता तो तत्काल अपनी माँ से इस्तीफा दिला देना चाहिए। आप दक्षिण वायनाड चले गए तो आप वहाँ की प्रशंसा करने लगे, यहाँ आप लगातार 3 बार MP रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत निम्न और गंदी सोच है, ये कांग्रेस की पुरानी कि फूट डालो राज्य करो, तो अब उत्तर और दक्षिण के लोगों को लड़ाने का भिड़ाने का ये कांग्रेस का कुशल प्रयास है। नहीं, राहुल जी क्या बनाने लगे हैं, राहुल जी को किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप देश को दक्षिण उत्तर बांटें। कांग्रेस साफ होने वाली है देश से, यहाँ कहाँ आएंगे वहाँ से भी साफ हो जाएंगे। ICU से रूम में शिफ्ट कर दिया जा रहा है और होपफुली 1-2 दिन में उसको डिस्चार्ज ही कर दिया जाए।